हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये नरेशन का वीडियो नरेशन का फाइनल वीडियो है और इसमें आज हम लोग कुछ डायलॉग्स को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें वो देखेंगे। सबसे पहले क्लास 10 का जो डायलॉग है उसको देख लेते हैं, क्लास 9 का जो डायलॉग है उसमें से, उसके चैप्टर में से कुछ लेते हैं। पहला डायलॉग है हम लोग का, व्हाट डिड यू से, ठीक है। इन सब को हम लोग एक बार में इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। सेड द फॉक्स, दूसरा लाइन है, डोंट डोंट यू वांट द सीक्रेट प्रेस्क्रिप्शन, ये हुआ दूसरा सेंटेंस। इस सभी को, ये सब जो है डायरेक्ट में हम लोग को इनको डायलॉग बोल रहा है ये कोई एक जन, उसको हम लोग को रिपोर्टिंग द डायलॉग में यानी कि इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जो पिछले दिन हम लोग बताए हैं, हम लोग ने ये सारा अच्छे से, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और आप लोग देख लीजिएगा इससे पहले वाला वीडियो। आई नो इट, ये रहा। अभी भी और एक लाइन है, ये डायलॉग जो है और एक लाइन लिखेंगे तब ख़त्म हो जाएगा। आउट विद इट देन द फॉक्स सेड, द फॉक्स सेड, ये रहा हम लोग का सेंटेंस। इसको क्या करना है, रिपोर्टिंग द डायलॉग यानी कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, रिपोर्टिंग द डायलॉग, डायलॉग, राइट। ये हो गया, कैसे इसको चेंज करेंगे। सबसे पहला, व्हाट डिड यू से, सेड द फॉक्स, जब भी क्वेश्चन वाला रहता है तो उसमें उसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, द फॉक्स asked the little rabbit what he had said, ऐसे ही चेंज होता है। जो फॉक्स है उसने किसको कहा है, टू द लिटिल रैबिट। लिटिल रैबिट हम लोग को फर्स्ट लाइन से समझ नहीं आ रहा कि हाँ लिटिल रैबिट को ही बोल रहा है, लेकिन जब हम लोग नीचे वाला लाइन पढ़ रहे हैं, नीचे वाला डायलॉग पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि फॉक्स का कन्वर्सेशन लिटिल रैबिट के साथ हो रहा है। इसलिए द फॉक्स अस द लिटिल रैबिट क्वेश्चन है, इसलिए अस वाट ही हैड सेड, तो इसका ये चेंज हो गया। और नेक्स्ट लाइन जो है उसको कैसे चेंज करेंगे, फिर द रैबिट, जो रैबिट है वो क्या करता है, आंसर्ड, आंसर करता है दैट ही वुड टेल द फॉक्स अबाउट द सीक्रेट प्रेस्क्रिप्शन इफ ही वांटेड इट, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट सेंटेंस का, जो डोंट यू वांट द सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शन, क्या तुम्हें सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, तो ये जो लिटिल रैबिट है ये बोल रहा है। इसलिए द रैबिट आंसर्ड, रैबिट ने आंसर किया कि ही वुड टेल द फॉक्स अबाउट द सीक्रेट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इफ यू वांटेड इट, ठीक है। जब भी हम लोग हायर लेवल में जाते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आता है, ना कि एक वन लाइनर आता, वन लाइनर को चेंज या नरेशन ऐसे नहीं आता, तो इसलिए डायलॉग को इनडायरेक्ट में चेंज करने का। दे द रैबिट ऑल्सो सेड, आई नो इट भी उसने बोला है ना, तो इसलिए द रैबिट डबल बी रैबिट ऑल्सो सेड, उसने ऑल्सो कहा कि दैट ही न्यू द प्रेस्क्रिप्शन, ओके। लास्ट लाइन में क्या बोला था वो, आई नो इट, तो इसका भी हम लोग चेंज करेंगे। नो का क्या हो जाएगा पास्ट में, न्यू, ही न्यू द प्रेस्क्रिप्शन, कौन बोल रहा है, रैबिट बोल रहा है, और इसका चेंज होगा। अब लास्ट लाइन जो बचा रहेगा हम लोग का, इसको कौन बोल रहा है, द फॉक्स देन ऑर्डर्ड, द फॉक्स देन ऑर्डर्ड हिम टू बी आउट विद इट, आउट विद इट देन, ये बोला कौन, द फॉक्स, तो इसलिए हम लोग कैसे चेंज कर दिए, फॉक्स जो है ये लाइन से देख के समझ में आ रहा है कि ऑर्डर कर रहा है, तो ऑर्डर क्या कि हिम टू बी आउट विद इट, ऐसे आउट हो जाइए। अगर हम इसका लाइन समझने जाए तो पहला लाइन का मीनिंग हो रहा है, जो फॉक्स है वो बोल रहा है कि व्हाट डिड यू से, कि तुमने क्या कहा, तो रैबिट क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें कोई सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का वर्णन या डिस्क्रिप्शन उस टाइप का, ठीक है, तो चाहिए मैं जानता हूँ,
तो फिर फॉक्स क्या बोलता है, फॉक्स बोला नहीं नहीं तुम इसके साथ चले जाओ बाहर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इन सभी इस तीनों का सॉरी इस पैराग्राफ का जो हम लोग डायलॉग है ये, इसका हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज किया या फिर रिपोर्टिंग द डायलॉग, डायलॉग को हम लोग रिपोर्ट किए। नेक्स्ट में हम लोग का जो डायलॉग है ये भी क्लास 9 के टेक्सचुअल एग्जाम्पल से ही है, इसको भी हम लोग अभी चेंज करेंगे। ये रहा पूरा लाइन, यू हैव अ ट्रेड एट प्रेजेंट मिस्टर फैराडे, ठीक है, इसका चेंज करना है रिपोर्टिंग द डायलॉग में। तो क्या होगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ मिस्टर फैराडे, इसका चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट में, इफ ही हैड अ ट्रेड, हो गया यू हैव अ ट्रेड एट प्रेजेंट मिस्टर फैराडे। नरेशन में एज यूजल हम जानते हैं एक तो सब्जेक्ट रहता है और एक तो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट वो कौन है, आई, और वो कैसे पता चल रहा है, नेक्स्ट लाइन पढ़कर। और ऑब्जेक्ट कौन पता चला, मिस्टर फैराडे, मिस्टर फैराडे के बारे में बात हो रहा है। तो आई इंक्वायर्ड ऑफ मिस्टर फैराडे इफ ही हैड अ ट्रेड। नेक्स्ट लाइन को अगर हम लोग चेंज करें तो कैसे चेंज होगा, ही कन्फर्म्ड मी दैट ही वॉज अ बुक बाइंडर, ये हो गया। नेक्स्ट लाइन का, यस सर आई एम अ बुक बाइंडर, यस सर मतलब उसको कंफर्म करा, कंफर्म करना मतलब कि हाँ सहमति कर देना उसको कि हाँ सर यस बोलकर, ही कन्फर्म मी दैट ही वॉज अ बुक बाइंडर। आगे चले, आई देन आस्क्ड, फिर मैंने पूछा हिम उनसे, इफ ही डिजायर्ड टू चेंज हिज ट्रेड, ये हो गया नेक्स्ट वाला का, ठीक है। एंड यू डिजायर टू चेंज, क्या तुम यानी कि आप डिजायर करते हैं, मिस्टर फैराडे से आई बोल रहा है, ठीक है। तो आई देन आस्क हिम इफ ही डिजायर, क्या उनको चेंज करना है अपना ट्रेड को, ट्रेड मतलब होता है कोई भी व्यापार, किसी भी टाइप का व्यापार करना। ही टोल्ड मी पोलाइटली, उसने मुझे पोलाइटली कहा दैट ही वॉज एनसीएस टू डू सो। नेक्स्ट वाला का क्या चेंज हुआ, यस सर, यस सर जैसे बोल रहा है कि एकदम मतलब पोलाइटली, मतलब थोड़ा सा पोलाइटली टाइप का आ गया, आई एम एनसीएस टू डू, हाँ मैं एनसीएस टू डू, एनसीएस टू डू मतलब हाँ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई ही डिजायर्ड टू चेंज हिज ट्रेड, ये हो गया नेक्स्ट वाला चेंज, ठीक है। किसका चेंज हुआ, ये जो है वाई का चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई ही डिजायर टू चेंज हिज ट्रेड, वाई का मतलब हुआ पूरा, यहाँ पे ट्रेड विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये जो हम लोग लाइन चेंज किए इनडायरेक्ट में, ये किसका है, सिर्फ वाई का चेंज हुआ है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू नो द रीजन वाई ही डिजायर टू चेंज हिज ट्रेड, मैं जानना चाहता था रीजन कि वो अपना ट्रेड जो है बुक बाइंडर करने का वो क्यों चेंज करना चाहता है। तो फिर क्या हो रहा है, आई फील आई वुड बी हैप्पियर इफ आई कुड डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ साइंस। तो उस समय फैराडे क्या बोलता है कि अगर मैं सर्विस ऑफ साइंस में अपने आप को डिवोट करूँ तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुश नसीब या हैप्पियर समझूंगा, ठीक है। तो इसका जो है चेंज उतना हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो हम जो है इतना तक चेंज करवा दिए हैं, ये वाला भी आप लोग से हो ही जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डायलॉग की ओर, ये रहा डायलॉग नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, स्टॉप व्हाट्स द मैटर, ये जो है कन्वर्सेशन चल रहा है। यहाँ पे होल्डिंग अप हिज हैंड इन द कार, इन सबको भी हम लोग को जब नरेशन चेंज कर रहा है उस समय यूज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो होल्डिंग अप हिज हैंड और इन द कार ये सब लिखा हुआ, ये सब क्या किया जाता है, एक्ट किया जाता है। तो इन सबको अगर हम लोग सेंटेंस में इनडायरेक्ट कहते समय यूज करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और भी अच्छा लगेगा। तो होल्डिंग, ये पहला का चेंज कर रहे हैं हम, होल्डिंग अप हिज हैंड ही ordered me to stop, ये हो गया। होल्डिंग अप हिज हैंड ही ordered me to the stop, स्टॉप का सिर्फ ये चेंज हुआ है, उसने मुझे कहा कि स्टॉप यानी कि रुक जाओ, होल्डिंग अप हिज हैंड अपने हैंड को होल्ड करते हुए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, समझाता है रुक जाइए, why I should stop, what's the matter,
जिसको मतलब जिसका जिसको स्टॉप करने के लिए वो बोला पहला वाला व्यक्ति, दूसरा वाला व्यक्ति क्या रिप्लाई कर रहा है कि क्या हुआ, क्या मैटर है, यानी कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई आई शुड स्टॉप, मैं समझ नहीं पाया कि मुझे रुकना क्यों चाहिए। इसका मीनिंग तो यही हो रहा है ना, डायरेक्ट नहीं ना हम लोग व्हाट्स द मैटर का चेंज कर देंगे नरेशन, बल्कि उसको समझेंगे उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे, नरेट करेंगे जिसको बोलते हैं। तो सो आई आस्क्ड हिम व्हाट द मैटर वाज, ठीक है, आई आस्क हिम व्हाट द मैटर वाज, तो फिर मैंने उससे पूछा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि मुझे रुकना क्यों चाहिए, तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, व्हाट द मैटर वाज। पहले मतलब ये लाइन एक तो ऐड कर दी हम लोग खुद से, उसके बाद इसका हम लोग चेंज कर दिए हैं। नेक्स्ट है ही पॉइंटेड, इस नेक्स्ट वाला का चेंज कर रहा है, आउट दैट आई वाज ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। तो व्हाई आर यू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, उन्होंने कहा कि तुम राइट साइड ऑफ द रोड में क्यों ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पे ही पॉइंटेड आउट दैट, यानी कि किसी की गलती को पकड़ना या गलती को बताना कि हाँ तुम ये भूल कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो, तो ही पॉइंटेड आउट उस समय यूज कर लेंगे, दैट आई वॉज ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है फॉर कन्फिर्मेशन आई अस्ट हिम if he wanted me to drive on the wrong side, do you want me to drive on the wrong side, you are driving on the wrong side, ठीक है। ये जो do you want me, तो ये जो आदमी जो है wrong side में drive कर रहा है उसके लिए है, तो इसका हम लोग क्या चेंज किया है, for confirmation, confirm करने के लिए I ask him if he wanted me to drive on the wrong side, कि वो मुझे बोलना चाह रहा है कि मैं जो है wrong side में drive कर रहा हूँ, तो हाँ नीचे में क्या बोला, you are driving on the wrong side, हाँ तुम जो है wrong side में drive कर रहे हो। या इसका क्या चेंज हो जाएगा कि he replied that he is driving on the wrong side, ठीक है। अब क्लास 10 के कुछ टेक्सचुअल एग्जांपल्स को चेंज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में, देख लेते हैं उसका कैसे चेंज होता है। ये डायलॉग नंबर 4 है जो कि क्लास 10 से लिए हैं हम, और इसको हम लोग को अब इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। हाउ मेनी विल यू ईट ओल्ड मैन, ओल्ड मैन तुम कितना खाओगे, ठीक है। तो ये एक क्लास 10 का ही चैप्टर है जो कि रिफ्यूजी है चैप्टर का नाम, उसमें वेंडर का कन्वर्सेशन होता है एक ओल्ड मैन से। तो वेंडर अस्ट द ओल्ड मैन हाउ मेनी बाउल्स, बाउल्स मतलब कटोरा, ही वुड ईट, ठीक है। पहला का चेंज हो गया, वेंडर ने कहा ओल्ड मैन को, पूछा उससे कि हाउ मेनी बाउल्स, तुम कितने बाउल्स खाओगे, तो ये पहला का चेंज हो गया हम लोग को। इसलिए बोलते हैं ना जब भी कोई पैसेज हो उसको पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए, पढ़ के उसको समझना चाहिए कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, कौन किसको बातचीत कर रहा है कौन किसको बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, द ओल्ड मैन सेड इन रिप्लाई दैट वन स्मॉल बाउल वाज इनफ, ये इसका चेंज है, वन स्मॉल बाउल इज इनफ सेड ही, ओल्ड मैन ने कहा। The old old man said in reply, reply में उसने उन्होंने कहा that एक ठो बाउल ही enough है, okay? Next हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। The vendor was astonished. Astonished मतलब होता है surprised to hear him. चिट्टी चली गई अभी तो बड़का। यहाँ पे है द वेंडर वॉज एस्टोनिस्ड टू हियर हिम से, एस्टोनिस्ड मतलब होता है सरप्राइज्ड, सो एंड देन आस्क्ड हिम इफ ओनली वन स्मॉल बाउल वॉज रियली इनफ फॉर द ओल्ड मैन, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट लाइन का चेंज, क्या लिखा है, कैन यू ईट ओनली वन स्मॉल बाउल देन, आस्क द वेंडर,
एस्टोनिस्ट, ठीक है, एस्टोनिस्ट भी लिखा हुआ है, तो हम लोग आराम से एस्टोनिस्ट को है इस्तेमाल करके बढ़िया से कर लिए. द वेंडर वाज एस्टोनिस्ट टू हियर हिम से सो एंड देन आस्क हिम इफ ओनली वन स्मॉल बाल वाज रियली इनफ. रियली इनफ इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस, अगर आप लोग वो स्टोरी जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें क्या स्टोरी था, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखने में लग रहा था, इतना ज़्यादा भूखा है, तो 3-4 दिन का भूखा है, तो उसको क्या एक ही तो वो बाउल जो है इनफ रहेगा या उतना ही पर्याप्त रहेगा उसके लिए? नहीं ना, इसीलिए वो एस्टोनिस्ड हो गया था, इसलिए वेंडर जो है सरप्राइज्ड हो गया था और उससे क्वेश्चन भी पूछ लिया कि क्या एक ही तो इनफ रहेगा. तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. द ओल्ड मैन देन answered that it was not for him. It is not for me. The old man answered. तो क्या change हो जाएगा? The old man then answered that it was not for him. क्यों? क्योंकि ये जो है उसके लिए नहीं, वो जो बाउल खरीद रहा है उस जो भी वेंडर से, वो उस ओल्ड मैन के लिए नहीं है, वो किसी और के लिए. किसी और के लिए किसके है? अगर आप लोग स्टोरी पढ़े होंगे इसका तो पता ही होगा, वो एक छोटे से चाइल्ड के लिए रहता है, चाइल्ड बेबी के लिए रहता है छोटे से, ठीक है. ओल्ड मैन सिंस खुद ही भूखा रहता है, हंगरी रहता है 3-4 दिन से, बट फिर भी वो चाहता है कि वो छोटा सा बेबी जो है खा ले और अपना भूख को मिटा ले. तो ये हुआ. अब हम लोग चलते हैं अब आगे वाले डायलॉग में. नेक्स्ट डायलॉग है हम लोग का, ये भी क्लास 10 के बुक से ही लिया गया है. आर चेरी सीड्स लकी अजर राकेश, यानी कि राकेश और उसके ग्रैंडफादर, लास्ट वाला जो कैरेक्टर है, पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि कन्वर्सेशन जो है राकेश एंड ग्रैंडफादर के बीच में हो रहा है. तो पहला सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं. सबसे पहले राकेश अस्ट हिज ग्रैंडफादर If cherry seeds were lucky, ये हो गया इसका चेंज. Are cherry seeds lucky? Ask Rajesh. राकेश, राकेश ने कहा कि क्या चेरी सीड जो है वो लकी होता है? तो ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं? द ग्रैंड फादर answered that they were so. अफकोर्स का चेंज हुआ ये, ठीक है, ये सिर्फ अफकोर्स का. द ग्रैंड फादर आंसर दैट दे वे सो, हाँ हो सकता है. आगे बढ़े. देन राकेश वाज इनकरेज्ड एंड डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया? दैट ही वुड कीप इट. इट यानी कि यहाँ पे कौन है? द सीड. देन आई विल कीप इट, कौन डिसाइड करता है? ये राकेश, कि हाँ बहुत ज़्यादा जब उसके दादाजी उसको बोल देते कि हाँ लकी होता है, तो वो इनकरेज हो जाता, मैंने उत्साही हो जाता और डिसाइड करता कि ये उसको रखेगा कहीं पे, ठीक है. तो फिर क्या होता है नेक्स्ट में? दादाजी क्या बोलते हैं? हिज ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर देन एडवाइज्ड हिम, क्या एडवाइस करते हैं? दैट नथिंग वाज लकी इफ ही वुड पुट इट अवे. नेक्स्ट लाइन का मीनिंग क्या हो रहा है? ग्रैंडफादर ने उसको एडवाइस किया, यानी कि सलाह दिया कि कोई भी चीज़ लकी नहीं होता जब तक उस चीज़ को हम लोग यूज़ ना करें या सम कुछ यूज़ में ना लगाएं. सिर्फ अपने पास रख लेने से एज अ नहीं होता है, एज अ की कि हाँ ये मेरा सेफ करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है. उसको जब तक हम लोग काम में नहीं लगाएंगे तब तक वो हम लोग के लिए लकी नहीं हो पाएगा. फिर क्या होता है? ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही मस्ट put it to some use. grandfather ने उसको बाद में ये भी कहा कि उसको जो है इसको put कर देना चाहिए to some use, कुछ use के लिए लगा देना चाहिए, तभी उसका जो है luck काम करेगा, ठीक है. तो ये तो पूरा रहा planted and said the grandfather, यहाँ तक हम लोग चेंज कर दिए इसका. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आप लोगों को आज का नरेशन का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली नए अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.